तो अब हम चल रहे हैं लामाडल की तरफ, चकोटू, जो कि हमारा टूर का पहला पड़ाव था। यहाँ पर इस सराय में हमने रात गुजारी और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। और यहाँ से ये जो है ये करेरी लेक के लिए रास्ता जा रहा है, और हमारे कैमरा मैन जरा जूम करके बताएँ करेरी से करेरी डल के लिए जो है वो रास्ता जा रहा है। सो वी आर अ क्रू ऑफ 11 मेंबर्स इन दिस ट्रिप एंड नाउ वी आर मूविंग टू लामाडल। So, friends, this time we are on the peak of Blaney Pass. That is the small temple is situated here. यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, जुताशनी माता का मंदिर, बहुत ही हिस्टोरिकल मंदिर है। इस वक्त फ्रेंड्स हम ये चढ़ाई चढ़ के आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आप ये देख सकते हैं इस चढ़ाई से होकर ये चढ़ाई हमने चढ़ी है, जिसके बाद हम पहुँचे इस पीक के ऊपर जो कि है यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर ब्लेनी माता का मंदिर, सॉरी ब्लेनी पास पर हम इस वक्त खड़े हैं, और ये हाँ जुताशनी माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो जैसा कि आप इस को अगर ठीक से देख पाएँ, धुंध ज़्यादा होने के कारण आप इस क्लिप में देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम पीक है इस धौलाधार रेंज की, और इससे आगे कोई भी पहाड़ कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो चढ़ने के लिए नहीं है। हमारा अगला जो रास्ता है लामाडल का, जो हमारा पड़ाव है, जिसमें हम एक दिन का और स्टे करने वाले हैं रास्ते में, जो कि है छोटी डली तीसरी, और इसके लिए हम यह रास्ता जो कि धुंध के कारण आप नहीं देख पा रहे हैं इस रास्ते से उतरने वाले हैं। बहुत ही प्यारा ये प्लेस, बहुत ही अद्भुत जिसे कह सकते हैं, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ऐसा ही होता है आज तक मैं और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी सैम शमू, वेरी एनर्जेटिक बॉय ही इज, बहुत ही आसानी से चढ़ाई चढ़ दी इन्होंने, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता को देखकर डर गए थे। नाउ यू आर ओके, यहाँ पर भक्तजन जो है वो हरि ओम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले इनसे हरि ओम भी नहीं कहा जा रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे क्रू के बाकी के मेंबर्स हैं। हम टोटल सल्ली से हम टोटल 11 लोग चले हैं,
और ये गालियां निकालते हुए बिट्टू, ये आगे है संजू प्रभात जी के, बिट्टू सामने ये आगे लक्की जी, हाथ हिला दो, कौन है लक्की? हाँ यस लक्की जी, बहुत ही होनहार लड़का और बहुत ही, ये आबू आगे बोगले का बीड़ियाँ पीना सीख गया है, ये खैला, ये संदीप कुमार जी, और ये है हमारे बिहारी जी, सुंदरता का नज़ारा लेते हुए और बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ इस वक्त। संजू जी क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चढ़ाई कैसी थी? सूरज का इंतजार कर रहे हैं हम, ठीक ही थी मतलब। हाँ अपने शशि जी क्या कहेंगे? कहने की तो कोई बात ही नहीं है जी, बची नहीं है कुछ कहने को, ठीक है। हाँ लास्ट में यही कहेंगे कि गूगल ने धोखा दिया, गूगल अर्थ ने धोखा दिया, ठीक है ठीक है। दोस्तों चढ़ाई जितनी हमने सोची थी उससे बहुत ही ज्यादा है, सच में बहुत ज्यादा है, मतलब हमने तो कभी इतना सोचा भी नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि वी आर क्वाइट फ्रेश और हम अभी तक इतनी एनर्जी बची हुई है कि और तो नहीं चढ़ सकते, पर उतर सकते हैं। अभी हमने उतरना ही है नीचे, थोड़ा हम आगे उतरने वाले 2 किलोमीटर। हाँ पर फिर भी हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि हमने बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई चढ़ी, बस टांग में दर्द हो रही है कि वो पल याद करके हमारी जो है वो बैंड बज जा रही है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड, अल्टीमेटली इट इज एंटीक ट्रैकिंग टूर और शिव जी के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं, होने वाले हैं आगे अभी। So, with this, meet in the next. जोतासनी माता के बाद अगला पड़ाव हमारा जो है लमडल है, और जोतासनी माता से ये चढ़ाई हमने अभी उतरी है, ये सामने आप देखते हैं, सामने ये चढ़ाई उतर रही है, वैसे हमने इसको इस तरफ से उतरा है, काफ़ी ज़्यादा पत्थर वाली चढ़ाई है ये, और नाउ वी आर मूविंग हेड टू लमडल। आज का स्टे हमारा जो है वो यस, आज का जो हमारा स्टे है वो लमडल, जो कि 7 झीलों का समूह है, उसमें तीसरी जो डली है वहां पर रहेगा। एक एक बार सभी पीछे देखो, शंकर भगवान की जय। जोतासनी माता के बाद ये जो चढ़ाई हमने उतरी, ये खड़ी चढ़ाई हमने उतरी है, ये वाली जोतासनी माता इसके पीक पे है, और उसके बाद इस रास्ते से हम जो है होते हुए इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। ये जोतासनी माता से आगे जो है ये आप चंबा की ही सीमा देख पा रहे हैं, और ये सारा चंबा का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत, और इस जगह का लैंडमार्क है ये नागदेवता। और अभी हमें बढ़ना है, जो डायरेक्शन अगली है वो लमडल की तरफ, बहुत ही खतरनाक दोस्तों, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक ये चढ़ाई। अब ये उतराई उतरेंगे हम यहाँ से, और यहाँ से उतरते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे क्रियू में अभी भी पूरा जोश, फुल एनर्जी, बीड़े के बंडल 2 खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जान बाकी। खैला जी, ये हैं खैला जी, खैला जी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कैसा प्लेस लगा आपको ये? बहुत अच्छा। संदीप कुमार जी इन्होंने हिम्मत छोड़ दी है और हंस रहे हैं, वीडियो की बनाने के लिए हंस रहे हैं। सैम क्या कहेंगे इस टूर के बारे में? अमेजिंग। और कुछ? मैं तो वो चंबा देख के बड़ा खुश हो गया। चंबा देख के खुश हुए हैं? अच्छा, हमारे प्रधान जी श्री बिहारी जी, और ये हैं हमारे भाई साहब श्री कृष्ण जी, इन्होंने हमारी बहुत मदद की जी, सामान मिल गया सभी, हमारा सारा ही जो सामान वगैरह था वो ये भाई साहब अपनी तरफ से, इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अभी हम जो है स्टॉप पे बेसिकली हम करके रहे हैं कि लामडल जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर लकड़ी वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो ये हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ये लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ जो हम यहाँ से लेके जा सके और जो हमारे वहाँ पर काम आए। ये वो उतराई है लामडल की तरफ जहाँ हमें उतरना है, नीचे की तरफ। ये दोस्तों ऐसा खूबसूरत नज़ारा मैंने तो सच में अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा, चारों तरफ पहाड़ और हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से हमें ये सारा कुछ व्यू देख सकते हैं,